Hello students, let us talk about series arrangement of capacitors. जब capacitors series में होते हैं तो उन पे same charge होता है. Capacitors in series have same charge. Capacitors in series have same charge. ये एक्चुअली एक मेथड होता है टू आइडेंटिफाई इफ एन अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर इज इन सीरीज और नॉट. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक अरेंजमेंट दिया है लाइक दिस, वी हैव हियर एन अरेंजमेंट ऑफ थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 and C3 are their capacitances. तो आपको ये बताना है कि AB point के बीच में ये arrangement of capacitor series में है या नहीं. तो इसे पहचानने के लिए आप check कर लीजिए कि अगर आप A और B point को एक battery से connect करेंगे तो क्या इन तीनों capacitor पे same charge आता है कि नहीं. अगर same charge आएगा तो फिर ये अरेंजमेंट सीरीज अरेंजमेंट है. तो लेट अस कनेक्ट ए बी पॉइंट अक्रॉस ए बैटरी. इन सभी प्लेट्स के नाम दे देते हैं. Let's say this is plate 1, this is plate 2, this is plate 3, or this is plate 4, this is plate 5, and this is plate 6. Potential difference across the battery is V. We know that ki battery ke positive terminal se plus Q charge nikalta hai. And battery ke negative terminal se माइनस क्यू चार्ज निकलता है. तो इससे आप बता सकते हैं कि वन नंबर प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो होगा प्लस क्यू, इस पे जो चार्ज आएगा वो प्लस क्यू होगा. उसी तरह से सिक्स प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो होगा माइनस क्यू. व्हाट अबाउट अदर प्लेट्स? देखिए, इस वन पे जो है प्लस क्यू चार्ज आया है तो दिस इज अ सीट ऑफ चार्ज. इस प्लस क्यू चार्ज के सीट के कारण राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो कि प्लेट वन पे होगा, इस फील्ड के कारण इस वायर पे, इस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसके कारण प्लेट टू पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण प्लेट टू पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. जैसे ही प्लेट टू पे चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू हो जाएगी, प्लेट टू पे जैसे ही माइनस क्यू चार्ज आएगा, इस वायर के लेफ्ट में नेट चार्ज जीरो हो जाएगा और इस वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फील्ड जीरो हो जाएगा ड्यू टू द लेफ्ट चार्ज. लेफ्ट के चार्जेस के कारण जो इस वायर पे फील्ड लग रहा था वो जीरो हो जाएगा, इसलिए इस वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे अब कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा जो लेफ्ट के डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा था. तो प्लेट टू पे हमारा कितना चार्ज आ गया? माइनस क्यू चार्ज आ गया. व्हाट अबाउट प्लेट थ्री? देखिए, टू एंड थ्री मेक एन आइसोलेटेड पेयर. टू और थ्री आइसोलेटेड प्लेट्स हैं.
इसका मतलब ये है कि 2 और 3 पे कहीं से बाहर से चार्ज नहीं आ रहा है। तो अगर 2 प्लेट पर कहीं चार्ज आ रहा है माइनस क्यू, तो इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो इसका मतलब है कि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन आया होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण पॉजिटिव चार्ज भी अपेयर होने चाहिए, उतने ही अमाउंट के प्लस क्यू चार्ज अपेयर होंगे प्लेट 3 पे। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, जो कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्लस 3 नंबर प्लेट पे, इस सीट ऑफ चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट डायरेक्शन में। तो इस वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, जिसके कारण कि इस फोर्थ प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक्यूमुलेशन से। जैसे फोर्थ प्लेट पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू, उसके बाद इस वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लेफ्ट के चार्जेस के कारण फोर्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट इस वायर के लेफ्ट में नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। फोर और फाइव यहां पर आइसोलेटेड पेयर ऑफ कंडक्टर्स हैं, फोर एंड फाइव प्लेट, दे आर आइसोलेटेड प्लेट्स। तो अगर यहां पर माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है कि फिफ्थ प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होगा, क्योंकि इस आइसोलेटेड प्लेट पर कहीं से बाहर से चार्ज नहीं आया है, अंदर के चार्ज ही रीअरेंज हुए हैं। तो अगर कहीं पर माइनस क्यू चार्ज आ रहा है फोर्थ प्लेट पर, तो फिफ्थ प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आना चाहिए। सो वी कैन कंक्लूड दैट this arrangement is a series arrangement, because charge on each capacitor is same. मान लीजिए कि C1 प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, C2 प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और C3 प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V3। यहां पर हम बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V को आप लिख सकते हैं V1 को लिख सकते हैं आप Q by C1, V2 को आप लिख सकते हैं Q by C2, V3 को आप लिख सकते हैं Q by C3। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। लेट अस फाइंड आउट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर। देखिए, इन तीनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहने का ये मतलब है कि अगर इन तीनों कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जाए, जिसका कि कैपेसिटेंस हो C इफेक्टिव, उसको अगर V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो उतना ही चार्ज ड्रॉ करे जितना कि ये तीनों मिलकर ड्रॉ करते थे। उस केस में अगर ये C इफेक्टिव भी Q चार्ज ही ड्रॉ कर रहा है इस V वोल्ट की बैटरी से, तो इस केस में हम बताएंगे कि दिस कैपेसिटेंस इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स। आप देख सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर
मिलके इस बैटरी से क्यू चार्ज को ड्रॉ कर रहे हैं और ये कैपेसिटर अकेला इस वी वोल्ट की बैटरी से क्यू चार्ज ड्रॉ कर रहा है। तो फिर इस केस में सी इफेक्टिव इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वी इक्वल्स टू क्यू बाय सी इफेक्टिव, इसको बोल दीजिए इक्वेशन टू। From equation 1 and from equation 2, we get Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3 equals to Q by C effective. 1 by C effective. Equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. सीरीज अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस इस तरह से लिखा जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।